लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हरिदा शकील। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप देख तो रहे होंगे, मेरे सामने इनो पड़ी हुई है और कुछ व्यूअर्स को इसके बारे में पता भी होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इस रेमेडी की तरफ चलते हैं, जो कि हमने थोड़े से आलू के स्लाइस काटे हैं और थोड़ी सी बिलाई है। इसका हमने यूज़ कैसे करना है मैं आपको ये बताऊँगी। और ये उन व्यूअर्स के लिए है जो कि रमज़ान शरीफ के रोज़े रख रहे हैं और उनकी स्किन ज़ाहिर सी बात है हल्की सी डल भी हो जाती है और थोड़ी सी एक्नी भी हो जाती है, जिनकी स्किन ऑयली होती है रोज़े रखने की वजह से, जिगर में गर्मी की वजह से स्किन जो होती है वो एक्नी हो जाती है। तो इसलिए उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। तो चलिए अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आलू, आलू में आपको पता है तो है पोटेशियम मौजूद होता है, जो कि हमारी स्किन में बहुत ही कार्बोहाइड्रेट का काम करता है। तो बात तो शुरू हुई थी एक्नी से, तो चलिए अब एक्नी के बारे में हम आपको बताते हैं। एक्नी स्किन पे इस वजह से होती है ताकि हमारे जिगर में जो गर्मी होती है वो हमारे जिगर में जाके, मतलब कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो जिगर में गर्मी होती है, उस वजह से हमारे जिगर में फेस पे जो होती है वो एक्नी हो जाती है। इसलिए उसके लिए ये आलू के स्लाइस आपने काट लेने हैं और इसको आपने बलाई में डिप कर देना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपने बलाई में डिप करना है और वही स्लाइस आपने उठा के अच्छी तरह से आपने डिप करना है। बलाई जो थी मैंने दूध को उबाला हुआ था, उबले हुए दूध से बलाई मैंने उतारी है। इस तरह से आपने उतार के और अपनी स्किन पे इस तरह से आपने हल्का हल्का सा मसाज करना है, ठीक है। इससे आपकी एक्नी भी दूर होगी और आपकी स्किन भी नीट हो जाएगी। इसलिए रमज़ान शरीफ में कोई क्रीम वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे भी लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम 5 टाइम नमाज तो पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, तो हमारा चेहरा वैसे ही इसका साफ़ हो जाता है और क्लीन हो जाता है। इसलिए ये हल्का फुल्का सा बस ये मसाज आप कर लें तो काफ़ी है। ये देखिए, इस तरह से आपने मसाज करना है। अभी आप ये सोच रहे होंगे जो आलू है वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है और ड्राई के लिए नहीं, तो इसलिए हमने साथ इसका बलाई का यूज़ किया। जिनकी स्किन ड्राई है वो बलाई साथ लगा के और मसाज कर सकती हैं, और जिनकी स्किन ऑयली है इन दोनों चीज़ों को वो भी मिक्स करके मसाज कर सकती हैं। दोनों स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि आलू जो है वो हमारी स्किन को टाइट करता है और ऑयल फ्री होता है। ये देखें, इस तरह से आपने मसाज करना है हल्के हाथों से। और आपको एक ही वीक में इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा, आपकी स्किन में जितने भी दाग धब्बे होंगे वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि आलू जो है दाग धब्बों के लिए बहुत ही मुफीद है। आप खाली आलू भी अपने स्किन पे मसाज के लिए मसाज करें या रोज़ वाटर लगा के भी, तो उससे भी आपके जो है वो जो दाग धब्बे होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो मसाज हमारा आपने इस तरह से मसाज करना है, तो मसाज हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है बातों बातों में ही। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं इनो की बात। तो इनो की बात ये है कि ये जो इनो है ये जाहिर सी बात है सिर्फ चेहरे पे लगाना ही ज़रूरी नहीं होता, हमें कुछ खाने पीने का भी तो चाहिए ना, इसी से हमारा चेहरा नीट हो जाता है अगर हम अच्छी खुराक लें, अच्छा पानी लें। तो ये मेरे पास है इनो, ये देखिए फ्रूटी साल्ट है लेमन का और इसमें 12 साशे होते हैं। और ये देखें, ये इसका पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये कार्बोहाइड्रेट्स है, बीपी है ग्राम्स, और बीपी यानी कि इसका है वो साल्ट है बीपी, इसमें बीपी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, इसलिए इसमें फॉलोवर्स और सोडियम बैक्टीरियाज भी होते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है वो नीट होती है। और आपको तकरीबन रोज़ा रखने से, रोज़ा जब आप खोलते हैं तो आप उसी वक्त इसको पी लें, और तकरीबन अगले जो है आपके 12-15 घंटे जो है वो आप आराम से इत्मीनान से सुकून से गुजार सकती हैं। तो इसलिए आपका बीपी भी लो नहीं होगा और आपकी स्किन, आपकी जिस्म में जितने भी कुव्वत मुदाफियत पूरी हो जाएगी और आपकी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी, इसलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और आप ये सोच रहे होंगे मैंने हैंड पैसे लगाया हुआ था, वो मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी कि इसको वॉश करके आपको फिर इसके बारे में, इनों के बारे में बताऊँ, तो इसलिए मैंने इसको लगा ही रहने दिया है। तो अभी मैं जैसे ही वीडियो ख़त्म करूँगी तो इसको वॉश कर लूँगी। तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी थी, ताकि नेक्स्ट मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।